नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है PDOSU की तरफ से। आप सभी को ये बात तो भली बात ही से पता है कि 25 मई यानी कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, और उसी को लेकर आप सभी छात्रों के लिए जो नोटिस है वो जारी हुआ है। और वो किस संबंध में जारी हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, ये नोटिस है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो, विषय में देख सकते हो कि परीक्षा 2022 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, यानी कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो परीक्षा से पहले इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आप ऑफिशियल प्रूफ के लिए 24 मई 2022 का आज ही ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, आपको किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। देखिए, बाद में मुझसे मत पूछना, मैं छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात है, जो भी टॉपिक है, सभी मैं क्लियर करते हुए यहाँ पर चलने वाला हूँ। फर्स्ट में तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि विश्वविद्यालय स्नातक यानी UG कला वाणिज्य विज्ञान परीषद 2022 दिनांक 25 मई 2022 से प्रारंभ होने जा रही है, यानी कि कल से प्रारंभ होने जा रही है। आशा एवं विश्वास, आप पूर्ण उत्साह एवं सजगता से तैयार होंगे। आपके महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच चुकी है तथा प्रश्न पत्र सतत रूप से यथासमय पहुंचते रहेंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु निम्नांकित महत्वपूर्ण बिंदु को आपको ध्यान में लाए जाने अपेक्षित है। इसी के बाद दोस्तों, जो आपके प्रश्न पत्र हैं वो आपके विश्वविद्यालय में तो पहुंच गए हैं। इसके बाद में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। देखिए, फर्स्ट में तो यह है कि प्रश्न पत्र प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि समय सारणी यानी टाइम टेबल अनुसार आपके परीक्षा केंद्र पर कम से कम आगामी 3 दिवस के प्रश्न पत्र प्राप्त हो गए हैं। यदि कोई कमी है तो इस संबंध में तुरंत विश्वविद्यालय को दूरभाष नंबर, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, पर सूचित कराएं। मतलब कि जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा सेकेंड पॉइंट के ऊपर। प्रश्न पत्र खोलने से पूर्व समय सारणी टाइम टेबल अनुसार परीक्षा प्रश्न पत्र का नाम, कोड इत्यादि बलिबाति जांच मिलाने सुनिश्चित कर लेवे कि सही प्रश्न पत्र ही खोला जा रहा है, क्योंकि इससे जो पेपर है वो वायरल होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले जो प्रश्न पत्र का नाम है, साथ में परीक्षा पारी है, साथ में जो टाइम है, इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न पत्र है उसको आपको खोलना है। इसी के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हो 39/68 दिनांक 12 मई 2022 के अनुसार जिन प्रश्न पत्रों का मूल समय 3 घंटे का था, उनका परीक्षा समय 1.5 घंटे व पूर्णांक 50% रहेगा। कृपया इस संबंध में उल्लेखित पत्रांक का अवलोकन करें तथा इस पत्र को महाविद्यालय में सूचना पट्टे तथा प्रत्येक परीक्षा कक्ष के मुख्य गेट पर अनिवार्यता चस्पा दे। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो परीक्षा आपकी होने वाली है, जो प्रश्न पत्र आपके आने वाले हैं, उनमें 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का टाइम रहेगा और 50% ये आपको हल करना होगा। ये जो विश्वविद्यालय है उनको बताया जा रहा है कि अगर आपने नहीं बताया स्टूडेंट्स को तो आप बता देना। वैसे तो आपके लिए नोटिस जारी हो चुका है और सभी स्टूडेंट को पता भी है कि 50% इस बार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि प्रश्न पत्र के परीक्षा समय एवं पूर्णांक के संबंध में प्रत्येक पारी में विकसक द्वारा परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के मध्य घोषणा कर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावे। यानी कि जो प्रत्येक पारी है उसमें आपका जो पूर्णांक 50% है, जो 50% है उसके बारे में जो विकसक है वो हर पारी में आपको घोषणा, मतलब कि आपको अवगत कराएगा, आपके रूम में आएगा और आप सभी को अवगत कराएगा कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो 50% है और 50% सिलेबस में ही आपको इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नोट में यहाँ पर देख सकते हो कि परीक्षा अवधि के दौरान केंद्राधीक्षक नियमित रूप से विश्वविद्यालय वेबसाइट व परीक्षा पोर्टल का अनिवार्यतः अवलोकन करते रहे। सेकंड पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में भी समय रहते 1 दिवस पहले विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। बाकी अगर आपके परीक्षा केंद्र है और परीक्षा केंद्र पर आपकी जो पेपर है वो नहीं पहुंचे हैं तो आपको 1 दिन पहले ही विश्वविद्यालय को अवगत कराना होगा इस चीज को लेकर कि आपके जो प्रश्न पत्र है वो विश्वविद्यालय में नहीं पहुंचे हैं। बाकी दोस्तों, आपकी जैसे कल से एग्जाम स्टार्ट है, सबसे पहले तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैंने देखो अपनी तरफ से, मैंने आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, आपकी परीक्षाओं के टाइम टेबल को लेकर, आपकी परीक्षाओं के डेट को लेकर, आपकी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को लेकर, सभी को लेकर और साथ में आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर बिल्कुल डिटेल वीडियो सभी के लिए मैंने आप सभी को काफी हेल्प की है। और बाकी देखिए दोस्तों, मैंने यह भी बताया आप सभी को, देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं,
अगर आप में से कुछ स्टूडेंट अगर वीक स्थिति में हैं, उनको लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल और मैं फेल हो सकता हूँ, तो देखिए भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। देखिए कोई भी पर्सन आता है उसमें से आपको जैसे मन चॉइस यानी मतलब कि आपकी मर्जी के अगर जो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूनिट की बाध्यता मिलेगी कि ये क्वेश्चन तो आपको करना है करना है करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो आपको अच्छे तरीके से आता है वो करना। दूसरी बड़ी बात, आपकी जो आंसर शीट है आंसर शीट को बिल्कुल भी खाली मत छोड़ के आना, चाहे उसमें कुछ भी भर के आना, तुक्का लगा के आना, लेकिन आंसर शीट को खाली मत छोड़ना, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपियां चेक करता है तो उसका माइंड है वो डाइवर्ट होता है कि बंदे ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, तो वो वहां पर नंबर देते हुए निकल जाता है। तो बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, मैंने अपनी तरफ से आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी प्रयास किया है, आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है आपके एग्जाम टाइम टेबल को लेकर के, टाइम टेबल कब जारी हो सकता है सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बाकी देखियो कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ में आप टेलीग्राम से जुड़ जाना और बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मैंने जो भी बताया है उसमें कुछ कमी रही हो तो आप मुझे मुझसे शिकायत कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षाओं को लेकर, ओके गुड बाय।